वेलकम टू ट्यूब चैनल फर्स्ट विचार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ के आज लिस्टिंग है। लिस्टिंग बहुत ही इसकी निराशाजनक मिली है। 315 का 0% ट्रेडिंग के साथ इसकी लिस्टिंग हुई। कल के जितने लोगों ने मेरा एनालिसिस वीडियो देखा था आधार हाउसिंग फाइनेंस लिस्टिंग रेट स्ट्रेटजी, उन्हें क्लियरली पता होगा हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। इसकी लिस्टिंग 0% प्रीमियम से लेकर 30% प्रीमियम के रेंज में हो सकती है। इसकी लिस्टिंग 0% प्रीमियम के साथ हुआ। नेगेटिव लिस्टिंग होने का यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था, नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 315 को लिस्टिंग के बाद इसमें हाई लगाया है, 340 का हाई लगाया था। एक अच्छा प्रीमियम यहाँ पर लगभग ये बेच चुका है। अभी ये 332 पर ट्रेड कर रही है, 340 का हाई लगाया, 332 पर ट्रेड कर रही है, यानी कि लगभग 17 रुपए पर शेयर यहाँ पर बेनिफिट दे रही है, यानी कि लगभग 5.5% की बेनिफिट दे रही है। यहाँ पर देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा नहीं है, लोगों ने यहाँ पर होल्ड करा, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, सबसे पहले तो हम लोग इसकी आज की तारीख की जीएमपी देखे तो आज की तारीख की इसकी जीएमपी थी वो 13.65% थी। लिस्टिंग इसको कॉस्ट टू कॉस्ट यानी कि 0% प्रीमियम के साथ हुआ है। इसमें सब्सक्रिप्शन 26.76 गुना हुआ है। बात करें इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो फाइनेंशियली परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। मैं फाइनेंशियली इसमें 10 में से 7 रेटिंग देना चाहूंगी, 7-6 की रेटिंग देना चाहूंगी, फाइनेंशियली ठीक है। बात करें बिजनेस की तो बिजनेस भी काफी अच्छा है, छोटे छोटे लोन देने के काम करता है। जो कम इनकम वाले ग्राहक है उनको ये ज्यादा टारगेट करता है, इनका टारगेट परसेंट कम इनकम वाले लोग हैं। 20 स्टेट में अपनी ऑफिस को खुला चुका है, जो लगभग 471 ब्रांच एंड उसमें 91 सेल्स ऑफिस हैं। तो इसका बिजनेस पूरे ओवर इंडिया में 20 स्टेट में कवर अप करती है, तो बिजनेस ठीक है। इसका जो मौजूदगी है वो कई स्टेट में ये कंपनी मौजूद है, अपनी सर्विस प्रदान करती है, तो बिजनेस काफी अच्छा है, खुला हुआ बिजनेस है, ग्रोथ कर रही है, फाइनेंशियली भी ठीक है। इसमें लिस्टिंग कॉस्ट टू कॉस्ट मिली है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि जीएमपी लगातार गिर रही थी तो कॉस्ट टू कॉस्ट मिला कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये बाद में अच्छा रिटर्न्स बना करके दे सकता है, लेकिन कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि बाद में अच्छा रिटर्न्स बना करके देगा इसकी 100% गारंटी नहीं है। मे भी इसमें लॉस हो जाए या फिर जो हमारा बाइंग लेवल है 315 उसके नीचे भी चला जाए। तो हर किसी का अपना रिस्क रिवार्ड होता है, कैलकुलेटिव रिस्क रिवार्ड होता है, तो हर किसी के अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अभी जिस लेवल पर ट्रेड करे 332 पर ट्रेड करे, यहाँ से 10% का हमें रिस्क लेना चाहिए, इससे ज्यादा का हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर 10% का हम रिस्क लेते हैं तो हमारा जो प्राइस है वो 315 का, यानी कि पर शेयर 15 रुपये का यहाँ पर हमें लॉस होगा, यानी कि 5% का लॉस है। हम लोग का जो कट ऑफ प्राइस हो 315 का कट ऑफ प्राइस है, हम लोग यहाँ पर 10% जिस प्राइस पर भी ट्रेड करें उस प्राइस से 10% के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाए। अगर बहुत ज्यादा तो यहाँ पर हम लोग 15% का रिस्क ले सकते हैं। अगर ज्यादा ज्यादा हम लोग रिस्क लें तो हम लोग यहाँ पर लगभग जो लेवल पर भी ट्रेड करें उस लेवल से हम लोग 15% का रिस्क लेंगे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आ रही है वो 285-83 का लेवल निकल के आ रही है। तो हम लोग 285-83 के नीचे किसी भी वजह से ट्रेड करना स्टार्ट करती है, मे भी पैनिक सेंटिमेंट आया और ये हमारा लेवल क्रॉस कर दिया, तो इसके नीचे से आउट होने का कोशिश करें, क्योंकि जो हमारा बाइंग लेवल है कट ऑफ प्राइस 315 उससे लगभग हम लोग 10% का रिस्क ले रहे हैं। तो अपने कैपिटल का 10% यहाँ पर लूज कर रहे हैं। निवेश करना कहीं पे भी निवेश करते हैं लोग तो उसका कैलकुलेटिव रिस्क होता है, 10% से ज्यादा रिस्क लेना यहाँ पर थोड़ा सा मूर्खता हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हमें बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं दिया है, कॉस्ट टू कॉस्ट में इसकी लिस्टिंग हुई है और हम अपने पैसे पर 10% का रिस्क ले रहे हैं, तो ये रिस्की हो जाएगा। तो 10% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर मे भी यहाँ पर 300 का एक साइकोलॉजी लेवल है, इसको सपोर्ट बना करके यहाँ पर अगर ब्रेक करती है तो 30-40% का रिटर्न इजिली मिल जाएगा, क्योंकि बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियली भी ठीक है, तो यहाँ पर 30-40% का रिटर्न दे सकता है। अगर नहीं तो किसी भी कारणवश यहाँ पर 385 का लेवल 383 का लेवल ब्रेक कर दिए तो यहाँ से आउट होने में ही भुलाइए। आई थिंक पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।